हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको अगर आपने फॉलो किया तो उसके बाद आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है और आपका चैनल कभी डिसेबल या टर्मिनेट नहीं होगा अगर अभी की जो पॉलिसी चल रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट में जो बताने वाला हूँ, पहला पॉइंट जो लोग गलती करते हैं, अगर मैं पहले अकाउंट बात करूँ तो वो होता है अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या है, आप जब नई नई आईडी क्रिएट करते हो उसमें क्या करते हैं, लोग कॉन्टीन्यूसली ऐड पे क्लिक करते रहते हैं। उससे होता क्या है कि गूगल को, यार जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको पहले आराम से स्टार्ट करो। हाँ, अगर आपने नया नया एडमॉब अकाउंट बनाया तो पहले उसमें 10 से 15 दिन पहले इंप्रेशन दो। इंप्रेशन कितना, 10 से 15। आप 2-3 अकाउंट बना के उसमें 10 से 15 इंप्रेशन देते रहिए। 10 दिन तक आप पहले ट्रैफिक उसमें जनरेट कर लीजिए। उससे होगा क्या, आपकी जो एड्स हैं वो पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे पे ऐड नहीं आ रहे, मेरे पे ये नहीं हो रहा। तो उसका ये सबसे बेहतर तरीका है कि पहले आप 2-4 फ़ोन में डाल दीजिए, आपके ज़्यादा फ्रेंड है तो उसमें शेयर करके आप पहले उसमें ट्रैफिक जनरेट कर लीजिए। उससे होगा क्या, सारे ऐड सर्विंग स्टार्ट हो जाएगा और गूगल को ये नहीं लगेगा कि आप जो उसको मिसयूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले जनरेट करने का सोचा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होता है क्लिक का। अब भैया क्लिक क्या है, अब आप लोग जब क्लिक करते हो तो उसमें करते क्या हो, क्लिक करते टाइम क्या करते, कॉन्टीन्यूसली क्लिक करते। जैसे अभी आपने ऐड खोला, फिर काटा, फिर दोबारा ऐड खोला, तो इस तरीके से आप जब क्लिक करते हो तो गूगल को भी पता चलता था अगर आप सेम चीज़ का इस्तेमाल करो। इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगा, तो अभी इस वीडियो अभी इसको यहाँ पर ये रहने देते हैं। अभी मैं सिर्फ ये क्लिक के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्लिक करते हो तो उसको कभी कॉन्टीन्यूसली क्लिक मत करिए रैंडमली, और उसका टाइमिंग कम से कम पर क्लिक का टाइम आप कम से कम 1 घंटा दीजिए। अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप पर क्लिक का टाइम 1 घंटे से ज़्यादा रखिए। उससे होगा क्या, और इंप्रेशन ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करिए, उससे होगा क्या, गूगल को भी वो ना लगे कि आप कुछ मिसयूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से आप क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं अब तीसरे पॉइंट की बात करने वाला हूँ जो लोग करते हैं गलती, वो तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब ऐप को खोलते हो तो उसमें जो एड्स आते हैं वो सेम एड्स पे आप क्लिक कर देते हो। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि सेम ऐड पे क्लिक करना भी काफ़ी नुकसान कर देता है। अगर आप एडमॉब पे चला रहे हो एप्लीकेशन तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप कोई भी अर्निंग को परमानेंट अर्निंग नहीं कर सकते। परमानेंट अर्निंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक ट्रिक को हमेशा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडमॉब की पॉलिसी चेंज होती रहती है, क्योंकि अभी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जैसे यूट्यूब में है कि आपका 10,000 आपका वो होना चाहिए, मतलब सॉरी 4,000 आर जो है वॉच टाइम होना चाहिए। इस तरीके का कोई भी अभी नया रूल नहीं आया एडमॉब पे, तो ये कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो नई ट्रिक है इससे आप अगर अर्निंग करना चाहते हो तो इसकी अलग अलग तरीका होता है। तो आपसे ये कहेंगे कि अगर आप क्लिक करते हो या एड्स जो आते हैं उस पर सेम ऐड पे कभी क्लिक मत करिए। जो 4 पॉइंट है हमारा वो ये है कि आप जब भी कोई चीज़ को फॉलो करते हो, कोई भी चीज़ को देखते हो, आप किसी की भी वीडियो देखते हो, या सेल्फ अर्निंग की हो या जो हो, कभी वीडियो को मिक्स मत करिए दूसरे की वीडियो से। उस वीडियो में जो बोला गया सिर्फ उतना करिए, उससे ज़्यादा अगर आप जब करोगे तो वो गलत, क्योंकि सबकी अलग अलग ट्रिक होती है, अलग अलग मेथड होता है अर्निंग के। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी जो है अपने लोकेशन को ऑफ़ करिए। तो हम यही कहेंगे, आप अपने लोकेशन और जीपीएस अगर आपका ऑन है तो उसको हमेशा जो है ऑफ़ करके रखे रहिए, और काफ़ी लोग का लोकेशन ऑन होने की वजह से भी डिटेक्ट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 5वां पॉइंट है जो काफ़ी लोग को होता है, तो मेरे हिसाब से VPN आप प्रेफर कर सकते हो। VPN से होता क्या है कि आप अलग अलग ऐड को अलग अलग टाइम पे शो करवा सकते हो। जैसे पर डे आप एक क्लिक कर रहे हो तो आप कंट्री चेंज कर करके उससे होगा क्या, आपके ऐड अलग अलग आएंगे। तो इस तरीके से आप VPN का यूज़ कर सकते हो। मैं तो फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा नहीं हुआ। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये नोट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, कि आप कभी भी कोई ट्रिक को यूज़ करिए तो पहले एक टेम्परेरी ही अकाउंट में यूज़ करिए। उससे होगा क्या, अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो आपका कम से कम अकाउंट जो है वो डिसेबल नहीं होगा। अरे सॉरी, मतलब आपका अकाउंट डिसेबल भी होता है तो आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको ट्रिक को जो है इस्तेमाल करना है।
इस्तेमाल करने से होगा क्या, आपकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होगी। और कभी भी कोई भी सेल्फ अर्निंग वाले ट्रिक को परमानेंट अकाउंट से कभी ट्राई मत करिए, और मल्टीपल अकाउंट एडसेंस से कभी मत कनेक्ट करिए, हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट को हमेशा बना के रखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए और मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई तरह की हेल्प चाहिए तो वो भी मैं कर दूंगा। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी लोग डिसलाइक कर देते हैं, पता नहीं क्यों, उनके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप कृपया करके इस पर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर